जीत। मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें गाजर खानी होगी। गाजर में विटामिन ए होता है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ हमेशा? कौन है जो मेरे ऊपर कूदा है? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। मैं तो मजाक कर रहा था, इतना सीरियसली क्यों लिया? कौन है? कौन है? दादाजी, ये मेरे भाई है, अमेरिका में रहते हैं। एयरपोर्ट से यहाँ आते समय कुछ गुंडों ने इनका सामान लूट लिया। कैसे लूट लिया? क्या हुआ? मैं टैक्सी में बैठा था। मिला हुआ होगा। क्या आप उसे दोबारा पहचान सकते हैं? चोर है वो, चीटर। समुआ सुपर टैक्सी या लाइन वाले चीटर है। चीटर तो दीदी अंकल, सब चीटर नहीं है। हमारे यहाँ तो गेस्ट को गॉड मानते हैं। देखिए जा, वो टैक्सी वाला जरूर आपका सामान वापस करके आपसे माफी मांगेगा। ओ, ये तो इम्पॉसिबल है। दादाजी कहते हैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला ही फिर होता है। मुमकिन ये वीर कहाँ चला गया बिना बताया? मैं सोच रहा था उसे ही उस बदमाश टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने भेजूं और इसका पता नहीं कहाँ खेल रहा है। चलो अब मैं ही इमली के अंकल को एयरपोर्ट ले जाके उस टैक्सी ड्राइवर को भी पकड़ता। जिंटू, तुम मेरे दादाजी बन जाओ। अब मुझे और इमली को एक अंग्रेज बच्चे बना दो। जिंटू तुम यहीं रुको। जिंटू चलो उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हैं जिसने अंकल को लूटा था। खाना पीना जहाँ जहाँ, जिंटू भैया वहाँ वहाँ। वीर, इमली, ये क्या भेष बना रखा है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो इमली के अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें मैं लेकर आया हूँ। उनको लाने की क्या जरूरत थी? तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते क्या? आपस में बात करने का ये क्या तरीका है? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी से चुटकी बजाओ और उन्हें वापस भेजो, जल्दी, वरना ठीक नहीं होगा। अब गुस्सा रहा है, इमली, क्या कहा तुमने? देखा, ये अपने दादा से ऐसे बात करने लगा है। घर चलो, फिर बताता हूँ तुम्हें। अब दादाजी का नाटक बंद करो और जल्दी से मेरे अंकल को वापस भेजो। तुम भी उसकी तरह ही बात कर रही हो। आपको नहीं जानता। दादाजी मुझे छोड़ के बचाओ, ये लोग मुझे फिर लूट लेंगे। दादाजी मेरा पीछा छोड़ो, अरे अनजान आदमी पीछा छोड़ो। वीर, एक आदमी मेरे पीछे पड़ा है। अरे ये मेरा हमशक्ल कौन है? ये मेरा हमशक्ल कौन है? नहीं, तुम मेरे हमशक्ल को। ओ नो, अब समझ में नहीं आ रहा जिंटू कौन है और दादाजी कौन है। ओ दादाजी,
मुझे नहीं पता था आप यहाँ आने वाले हैं। ओह, तो तुम लोग भी टैक्सी ड्राइवर को पकड़ने आए हो? अरे मुझे तो बता देना था। दादाजी, तुम्हारी खोज आए अभी अभी जो देखा तुमने क्या तुम्हें ना खोज आए। चलो बेटा चल के टैक्सी ड्राइवर को ढूंढते हैं। तुम कौन हो? कौन हो? दूर रहो, दूर रहो। रुको रुको। अरे अरे सुनो तो। हेलो। वो रहा काला मस्से वाला ड्राइवर। बेटा तुम हमें फुर्सतगंज ले चलोगे? हाँ जी हाँ, क्यों नहीं ले जाऊंगा? नहीं ले जाऊंगा तो पैसे कहाँ से कमाऊंगा? और पैसे नहीं कमाऊंगा तो घर का खर्चा कहाँ से चलाऊंगा? अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए। ये तो बताओ हम कर क्या रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? ये टैक्सी ड्राइवर सीधी सड़क पर जाकर टैक्सी रोकते हैं और पैसेंजर्स को लूट लेते हैं। हमें इसका ही इलाज करना है। ये कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है? लो इलाज हो गया। क्या किया तुमने? क्या किया जल्दी बताओ। अब आपको क्या हुआ अंकल? रो क्यों रहे हो? सामने सड़क ही नहीं दिख रही। सुबह तक तो थी, अचानक कहाँ चली गई? सामने क्या नीचे भी सड़क नहीं है? मेरी तो जमीन वाली टैक्सी थी, ये एयर टैक्सी कैसे बन गई? मैंने सोचा जब सुनी सड़क ही नहीं होगी तो ये लोगों को लूटेंगे कैसे? वापस सब नॉर्मल करो फौरन, और किसी को कुछ याद ना रहे। चले हैं सर जी। चलो अंकल जी। तुम लोगों के पास जो कुछ भी है वो दे दो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है। उसका हाल अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अब होगा। किसका पीछा करो? भूल गया। मैं कौन हूँ? कल रात मेरे अंकल को तुमने लूटा, उनका सामान वापस करके उनसे माफी मांगो, तब छोड़ूंगा वरना। क्या कर रहा हूँ? शुक्र है तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई।
कल रात मेरे अंकल अमेरिका से आए थे और उन्हें आपने लूटा था। अब आप बता आप क्या करेंगे? मैं उनसे माफी मांगूंगा और सामान वापस कर दूंगा। सॉरी सर जी, घर जाके ख्याल आया कि आप लोग दूसरे देशों से हमारे यहाँ आते हो। आप हमारे मेहमान हो और सर जी हमारे यहाँ कहावत है, गेस्ट इज गॉड, अतिथि देवो भव। माफ कर दो सर जी, गलती हो गई। ओके ओके माइक, ये चमत्कार हुआ कैसा? ये चमत्कार तो कुछ नहीं सर जी, असली चमत्कार तो हमने देखा है जी। ओके जी, सॉरी जी, बाय बाय जी, थैंक यू जी। मेरे छोटे सरकार, अब तो बता दो तुम कौन हो सर जी? वैसे तो हम आपके कुछ नहीं लगते, नाम है वीर। Oh,